हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के टॉपिक डायरेक्शन की। डायरेक्शन का आज हम बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आपको स्पीड से फास्ट टू फास्ट कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये आज हम आपको बताएंगे। डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक से दो नंबर के रहते हैं। और फ्रेंड्स, डायरेक्शन के एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो क्लैरिकल लेवल हो, ऑफिसर ग्रेड हो। और यदि आप बात कर रहे हैं एसएससी में भी इसके क्वेश्चंस जनरली देखे गए हैं। एसएससी में इसके 2, 3, 4 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक की। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक यदि आपका क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, देन आप इजीली डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए कि डायरेक्शन में चार डायरेक्शंस रहती हैं हमारी। तो ये आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारा जो ऊपर रहता है वो रहता है नॉर्थ, देन साउथ, देन ईस्ट एंड वेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये हमारी चार डायरेक्शन है। ये चार हमारी जो रहती है ये मेन डायरेक्शन रहती हैं। चार डायरेक्शन जो है ये हमारी मेन डायरेक्शन रहती हैं। सो चार मेन डायरेक्शन के अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों को चार सब डायरेक्शंस भी रहती हैं हमारी। जो चार सब डायरेक्शंस जो रहती हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड रहती हैं। सो ये वाले जो हमारी साइट रहेगी वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट, दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट। ये जो रहेगी हमारी नॉर्थ वेस्ट रहती है, ये जो हमारी रहती है साउथ ईस्ट, दिस वन इज साउथ वेस्ट। ये चार मेन डायरेक्शन होती हैं एंड चार सब डायरेक्शंस होती हैं। सो सबसे पहले आप फ्रेंड्स ये देख लीजिए कि मैंने एरो क्यों बनाया है। एरो बनाने का रीज़न ये है कि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आप जो फेस कर रहे हैं वो नॉर्थ है। आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, देन आप यहाँ बैठे हैं तो आपका राइट हैंड जो होगा वो इस साइड होगा एंड द लेफ्ट हैंड होगा वो इस साइड होगा। सो ये जो है हमारा ये रहेगा राइट, ये जो हमारा रहेगा ये रहेगा हमारा लेफ्ट। क्वेश्चंस में यदि पूछा जाता है कि आपके आपको राइट में जाना है, देन आपको मूव करना है राइट डायरेक्शन की तरफ, मींस आपको ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना है। देन आपको यदि पूछा जाता है कि लेफ्ट में मूव करना है, देन आप वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इन केस आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, आप नॉर्थ की जगह ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, देन आपका राइट हो जाएगा दिस वन एंड द लेफ्ट हो जाएगा दिस वन। तो यदि आपसे पूछा गया है कि आपको ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए यदि आपसे पूछा गया है कि आपको लेफ्ट मूव करना है, देन आप ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। सो ये लॉजिक रहता है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपका जो नॉर्थ, यदि आप नॉर्थ में फेस कर रहे हैं देन आपका ये हो गया राइट हो गया, देन ये हो गया आपका लेफ्ट। वैसे ही सभी का फॉलो होता है, यदि आप यहाँ पर हैं तो आपका ये राइट हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट। उसी तरीके से ये आपका राइट हो गया, ये हो गया लेफ्ट। सो फ्रेंड्स, ऐसे सभी डायरेक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। आपका इस डायरेक्शन में आपका ये राइट हो गया साउथ ईस्ट का, ये हो गया साउथ ईस्ट का लेफ्ट, साउथ का ये हो गया है आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट, साउथ वेस्ट का आपका ये हो गया राइट एंड साउथ वेस्ट का ये हो गया लेफ्ट, वेस्ट का आपका ये हो गया राइट। देखिए आप खुद ही वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका राइट डायरेक्शन जो रहेगा वो ये होगा एंड लेफ्ट डायरेक्शन आपका ये होगा, सेम एज ये लेफ्ट एंड देन राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बेसिक है फ्रेंड्स। एंड यदि आपको आपका एक और जो लॉजिक होता है, ये आपने घड़ी देखा है, घड़ी जो हमारी मूव होती है तो उसके हिसाब से ये जो रहता है हमारा, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन
कहते हैं आपकी जो घड़ी मूव होती है वो कुछ इस तरीके से ही मूव होती है, यहाँ से शुरू होती है, वैसे ही ये जो रहता है आपका, यदि आपका लेफ्ट हैंड से शुरू हो रहा है देन ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस ये बेसिक है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका जो एंगल रहेगा, सो ये सब तो आपको पता होगा कि ये जो ओवरऑल एंगल है हमारा ये 90 डिग्री है, तो ये जो है ये हमारा 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है नॉर्थ से ईस्ट हमारा 90 डिग्री है, सो हमारा ये जो होगा ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 90 होगा। वैसे ही हमारा ये जो होगा नॉर्थ से साउथ ईस्ट तक हमारा 135 डिग्री होगा। फिर ये हाफ जो हमारा होगा नॉर्थ से साउथ होगा ये हमारा होगा 180 डिग्री। वैसे ये ओवरऑल जब होगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक है हमारा। अब हम इसके अलावा और कुछ नहीं है, डायरेक्शन में इजी है, बस आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके मेन डायरेक्शन कौन से हैं, सब डायरेक्शन कौन से हैं आपका। आप यदि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो आपका राइट ऑब्वियसली जो आप जिस डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड राइट होगा, लेफ्ट हैंड जो होगा आपका लेफ्ट होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं जो डायरेक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस आप रीड करिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है कि रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, हाउ मैनी किलोमीटर्स इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये हमें बताना है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें आप जो कहा गया है बस वैसा ही ड्रॉ करते जाइए। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए कि रोहन यहाँ खड़ा है, रोहन यहाँ खड़ा है, देन ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सो रोहन जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में है। रोहन मूव्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 3 किलोमीटर, सो यहाँ से 3 किलोमीटर जो है रोहन नॉर्थ जा रहा है। देन रोहन यहाँ से 3 किलोमीटर जाने के बाद रोहन यहाँ पहुँच गया है, आप रोहन को आर से एज्यूम कर सकते हैं, और ये 3 किलोमीटर रोहन यहाँ पहुँच गया है। देन रोहन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका राइट हमारा ये हो जाएगा रोहन का, एंड लेफ्ट अभी ये हो जाएगा। सो देन फ्रेंड्स, अब उसके बाद जो पूछा है हमें वैसे ही ड्रॉ करना है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, देन रोहन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट जो है रोहन का वो ये है, एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, देन लेफ्ट की तरफ टर्न लिया है रोहन ने और 2 किलोमीटर गया है, देन रोहन जो है ये पहुंच गया 2 किलोमीटर। अब रोहन का राइट जो है हमारा ये है, लेफ्ट जो है वो ये है। एट दिस पॉइंट, जब इस पॉइंट पे पहुंचा है, एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, जब इस पॉइंट पे पहुंचा है तो वो फिर लेफ्ट की तरफ मूव होता है 3 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, ये 3 किलोमीटर ये अपने लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, तो 3 किलोमीटर चलने के बाद वो वापस यहाँ पहुँचा है। अब रोहन का राइट डायरेक्शन जो है वो ये है और लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो ये है, रोहन इस पॉइंट पे अभी खड़ा है। देन ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट थी वो ख़त्म हो गई है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हाउ मैनी किलोमीटर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट में रोहन यहाँ खड़ा है, शुरुआत उसने करी है यहाँ से, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और जो एंड पॉइंट है वो ये है,
रोहन ने शुरुआत यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से की थी, एंड पॉइंट हमारा ये है। सो अब हमारे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर्स इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर है। सो ये जो डिस्टेंस है यहाँ इंडिकेट कर चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि 2 किलोमीटर जब यहाँ से यहाँ गया है तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 2 किलोमीटर होगा। तो यही डिस्टेंस हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन में 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये IBPS PO 2011 में पूछा गया था। इसका एक क्वेश्चन आया था प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशन में 2011 में। अब ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है ये हम पहले पढ़ लेते हैं। आई स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, ड्राइव्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स फॉर 5 किलोमीटर, ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स फॉर 8 किलोमीटर बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड ड्राइविंग फॉर 5 किलोमीटर, द ड्राइवर फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 1 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग, हाउ फॉर एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव्स टू रीच द स्कूल अगेन। सो फ्रेंड्स, इसमें स्टेटमेंट के अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले ये देखा करिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और कोशिश करिए डायरेक्शन का क्वेश्चन आप इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको उतनी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ फॉर मीन्स कितने दूर, एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, कितने दूर और किस डायरेक्शन में बस ड्राइवर को जाना है स्कूल पहुंचने के लिए। विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव्स टू रीच द स्कूल अगेन। देन अब एक बस ड्राइवर जो है वो एक स्कूल की बस है वहां से स्टार्ट करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्कूल है, ज्यूम कर लिया हमने ये हमारा स्कूल है। सबसे पहले आप डायरेक्शन का, यदि आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप डायरेक्शन का एक छोटा सा बना लीजिए। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारे डायरेक्शंस हो गए हैं फ्रेंड्स। सो इससे हमें हेल्प मिलती है। अब हम ले लेते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, ये स्कूल से वो अपनी बस निकाल के ले जाता है। देन ड्राइव्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब ये इस क्वेश्चन में भी वो टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, मीन्स नॉर्थ हमारा ये डायरेक्शन है स्कूल से टूवर्ड्स 2 किलोमीटर जा रहा है। तो 2 किलोमीटर हमने ये एज्यूम कर लिया, ये 2 किलोमीटर पहुंचा बस ड्राइवर। 2 किलोमीटर पहुंचने के बाद स्कूल बस यहाँ आ गई है। अब इसका राइट जो है हमारा ये है, लेफ्ट ये है, और ये गया है नॉर्थ डायरेक्शन में। इस पॉइंट से ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, टेक्स अ लेफ्ट टर्न, देन ये लेफ्ट टर्न लेता है एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। इस डायरेक्शन से ये 5 किलोमीटर जाता है। सो 5 किलोमीटर जो है ये 5 किलोमीटर यहाँ पहुँचता है। तो सर हमारी बस यहाँ आ गई है। अब इसका राइट डायरेक्शन ये है और लेफ्ट डायरेक्शन ये है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मीन्स वो जाएगा अब साउथ की तरफ। लेफ्ट जो है बस ड्राइवर का, वो बस का जो है वो साउथ की तरफ है। सो अब वो साउथ की तरफ जाएगा। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स फॉर 8 किलोमीटर। अब ये यहाँ से जो जा रहा है वो 8 किलोमीटर जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये 2 किलोमीटर तो कवर करेगा ही करेगा जो इतना है। देन आपको 8 किलोमीटर और ये यहाँ पहुँचा है, वो आपका बस ड्राइवर जो है अब यहाँ पर है। उसका राइट जो है वो ये है, लेफ्ट जो है वो ये है। अब ये हमारा कितना गया है, 8 किलोमीटर। सो 8 किलोमीटर चला गया है बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन, मतलब एक और लेफ्ट टर्न लेने से पहले वो 8 किलोमीटर चला है लेफ्ट लेकर। एंड ड्राइविंग, अब मतलब इसके बाद भी ये अब एक और लेफ्ट टर्न लेगा, ये हमें पहले ही बता दिया है। सो जब हमारा जो लेफ्ट टर्न रहेगा वो रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में। सो एंड ड्राइविंग फॉर 5 किलोमीटर, जब इस डायरेक्शन में ये फिर 5 किलोमीटर रन कर रहा है। सो ये रन करके आया 5 किलोमीटर, जो ऊपर दिया है 5 किलोमीटर वो उतना ही डिस्टेंस गया है, वो 5 किलोमीटर।
अब इसका राइट जो है वो ये है एंड लेफ्ट ये है, और ये बस का जो फेस है वो है ईस्ट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, बस का फेस जो है अब है वो ईस्ट डायरेक्शन में। ओके द ड्राइवर फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से ड्राइवर फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, देन लेफ्ट टर्न जो है वो ये है, नॉर्थ के डायरेक्शन में फिर टर्न लिया है एंड ड्राइव्स 1 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग। मतलब रुकने से पहले वो 1 किलोमीटर और चला है। सो 1 किलोमीटर उसने और ये चला है। अब ड्राइवर जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और एंड पॉइंट हमारा ये है। मींस बस यहाँ स्कूल से शुरू हुई थी और रुकी यहाँ पर है। सो फ्रेंड्स हाउ फार, अब ये सबसे पहले हमारे से पूछ रहा है हाउ फार, ये कितना दूर है। देन कितना दूर है उसके लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको दिख रहा होगा कि हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये डिस्टेंस निकालनी है, और जो हमारे पास गिवन डिस्टेंस है वो यहाँ पर 2 है प्लस 1, मीन्स 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और ऑलरेडी ये जो डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर है। सो हमारे पास जो गिवन डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। यदि हम 8 में से 3 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 5 किलोमीटर आ जाता है। सो ये जो हमारी डिस्टेंस हो गई ये हो गई 5 किलोमीटर। हमारा एक आंसर निकल चुका है एंड फिर हाउ फार निकाल चुके हैं हम। एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन। अब ड्राइवर को किस डायरेक्शन में जाना है कि वो स्कूल वापस पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे होंगे कि ड्राइवर का जो फेस है वो है नॉर्थ की तरफ। सो ड्राइवर को अब जाना है नॉर्थ की डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में अब ड्राइवर को जाना है, वो अभी साउथ में खड़ा है, उसे नॉर्थ जाना है स्कूल वापस पहुंचने के लिए। तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ ऑप्शन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है, ये गलत है। देन ईस्ट तो है नहीं। आप अच्छा, आपको फास्ट करने का क्वेश्चंस का एक और ट्रिक है कि आप क्वेश्चंस का ये कुछ कुछ हाइलाइटेड मार्क्स रहते हैं जो आप देख लीजिए कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये 3 क्वेश्चंस आपके तो सही हो नहीं सकते। तो ये 3 ऑप्शंस आपके वैसे ही ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए। देन आपका जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें हम हमारा डिफरेंस जो है 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर है, तो हमारा आंसर जो रहेगा 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमने अभी 2 क्वेश्चंस लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस आपको बताएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, और दूसरे टॉपिक भी कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आपको और कौन से टॉपिक समझना है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।